गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जेम स्टीफन की पोइम द स्नेर जो है वो आज अपने क्लास में रखते हैं, और इस पोइम को जो स्टीफन ने लिखा है वो एक खरगोश जो एक छोटा सा प्यारा सा जानवर है उसके जाल में फंस जाने के बारे में यह बात बताई है कि स्टीफन ने उस खरगोश को बहुत तलाशा लेकिन ही कांट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा वा स्नेर, जहाँ उसका पंजा फंसा हुआ था वह उसे ढूंढ नहीं पाया। आपको जानकारी हो जेम्स स्टीफन जो एक ऐसे पोइट हैं जो एनिमल लवर्स हैं, वो बहुत ही ऐसे इमोशंस अपने रखते हैं, बहुत ही एक सिंपैथिक जो मूड जो है वो खरगोश के प्रति रखते हैं। जेम्स स्टीफन जो एक इरिश पोइट हैं, आयरलैंड के पोइट हैं और डबलिन में जिनका जन्म हुआ, ये पॉइंट जो है वो काफ़ी एक स्लम्स में अपना जो है, यानी यूँ कहें कि गरीबी में अपना जीवन जिया, लेकिन स्लम्स में जीने वाले ये पॉइंट है बहुत ही खूबसूरत ऐसी लाइंस जो यहाँ पे रखते हैं, द स्नेर पॉइंट जो यहाँ पे रखी है। तो इस पॉइंट के बारे में आपको ये कुछ स्टेंजा वाइज मैं बता देता हूँ कि उसने क्या बात रखी। आई हियर सडन क्राई ऑफ पैन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर। जो फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे रखा गया है, एक राइमिंग भी अच्छी तरह से की है पैन, और लास्ट में आपको थर्ड लाइन में दिख रहा होगा अगेन, तो पैन अगेन स्नेर वेयर, यानी राइमिंग स्कीम जो उसने की है। तो आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पैन, अचानक से यहाँ पे कवि कह रहा है कि मुझे एक दर्द की चीख है वो सुनाई पड़ती है। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेर, यानी जाल में एक खरगोश फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं एक जाल में खरगोश है और उसकी चीख जो है, उसकी दर्द भरी चीख है वो मुझे सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे सडन का मतलब हो गया अचानक से, अचानक, और क्राई का मतलब चीख है, चिल्लाना है, चीखे चिल्लाटे, और पेन का मतलब दर्द है। तो ये कह रहा है कि अचानक से एक खरगोश के जाल में होने की बात जो है वो मुझे मालूम पड़ रही है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मुझे उसकी चीखें फिर से सुनाई पड़ती हैं, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये बात नहीं बता सकता कि उसकी ये चीख जो है वो कहाँ से आ रही है, यानी वो कहाँ पर फंसा हुआ है। आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये मैं बता नहीं सकता। तो कवि यहाँ पे अपने इमोशंस को खरगोश के साथ जोड़ लेता है, वह उसकी चीख से उस स्थान, यानी उस आवाज़ को सुनकर के वह जानना चाहता है कि इस ओर से आवाज़ आ रही है, बट द पोइट कैन नॉट टेल द प्लेस वेयर द रैबिट इज स्नेर्ड, कि खरगोश कहाँ फंसा हुआ है वह जगह नहीं बता पा रहा है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इस फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो नेक्स्ट स्टेंजा के, यानी अगले स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में फिर से रिपीट हुई है, फिर से रखी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे एक टेल राइम बनाई जा रही है, यानी जिससे कविता का जो है वो तारतम्य बना रहे, यानी इसको लिंकिंग बोल सकते हो कि ये पोएटिक जो लाइन्स हैं उनको लिंक करे रखती है, यानी बीच में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं है, वो एक टेल राइम करती हैं, टेल राइमिंग कर रही हैं। तो ऐसा यहाँ पे कवि ने किया है कि फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन जो है वो नेक्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन में फिर से रखी यहाँ पे। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि ये आवाज़ कहाँ से है, यानी वह जगह कहाँ पर है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, कॉलिंग आउट का मतलब है पुकारना, कि वह पुकार रहा है। एड का मतलब सहायता है, कि वह सहायता के लिए क्या कर रहा है, पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और जब वह सहायता के लिए चीख रहा है, जब अपने दर्द भरी चीखें निकाल रहा है, तो ये फ्राइटेंड एयर का मतलब है कि पूरा जो एटमोस्फियर है, पूरा वातावरण जो है वो क्या हो रखा है, फ्राइटेंड यानी भयभीत हो रखा है। कहने का मतलब जब खरगोश ये समझ चुका है कि उसका पंजा जाल में फंस गया, इट मीन्स वह फंस गया, उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वह जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है। तो उसे देख करके अन्य जो जंगल के प्राणी हैं, अन्य जो प्राणी हैं, वो भी उस वातावरण को देख करके क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उन्हें भी पूरा का पूरा यूँ कहें कि वहाँ पर ये भय लगता है। तो यहाँ ये इसीलिए कहा
कि ही इज कॉलिंग आउट, यानी वह ऐसे चिल्ला रहा है, पुकार रहा है फॉर एड यानी सहायता के लिए, क्राइंग ऑन, और उसकी चीखें जो हैं वो पूरे एयर को फ्राइटन कर रही हैं। इट मीन्स पूरा का पूरा जो वहाँ पर जो वातावरण है वो भयावह हो रखा है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और हर चीज़ है वो क्या हो चुकी है, भयभीत हो चुकी है, यानी सभी जो जीव जंतु वहाँ पर हैं वो सब क्या हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। तो ये तो एक खरगोश का जो चीखना और सारे पूरे वातावरण को प्रभावित कर देना, ऐसा कवि कह रहा है कि उसकी चीखी चिल्लाटों से पूरा का पूरा वातावरण जो है वो एक भयभीत स्थिति में आ गया है। चलो स्टूडेंट आगे वाले स्टेंजा में देखिए, ये मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड जो है यही लाइन आपको यहाँ पे दी गई है, वापस रिपीट की गई कि मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी हर चीज़ को क्या करती है, भयभीत कर देती है, हर चीज को भयभीत कर रही है। रिंकलिंग अप, रिंकलिंग अप का अर्थ होता है सिकुड़ना, यानी रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा, उस मासूम से खरगोश का चेहरा जो है वो क्या हो रहा है, रिंकल अप हो गया है, यानी सिकुड़ गया है। दर्द से कर्राने पे जब वह जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, तो उसका चेहरा है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एज ही क्राइज अगेन अगेन फॉर एड, जैसे ही वह क्राइज यानी चीखता है, अगेन यानी फिर से, फॉर एड यानी सहायता के लिए, और जब वह सहायता के लिए फिर से चीखता चिल्लाता है तो उसका चेहरा जो है वो सिकुड़कर छोटा सा हो गया है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मुझे वह स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो कवि जो है वो यहाँ अपने उस जानवर के प्रति जो एक सहानुभूति दिखा रहा है, बार बार खरगोश को ढूंढना चाह रहा है, क्योंकि पहले जो ऐसे ट्रैप करने वाले लोग होते थे, जो शिकारी लोग होते थे, वो जाल बिछा देते थे, और ऐसे ही जाल में ये छोटा सा प्यारा सा जानवर है वो क्या हो गया है, फंस गया है। तो कवि जो है वो उसके प्रति जो है एक स्नेह दिखा रहे हैं कि वो जानवर है कहाँ, मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूँ, मैं उसे स्वतंत्र छोड़ना चाहता हूँ। तो ये कह रहा, आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मुझे वो स्थान नहीं मिल पा रहा। आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, ये देखिए फिर से रिपीट हो गए, इसे ही हम कहेंगे कि इसे हम कह सकते हैं टेल राइम, यानी जब यहाँ ये जो लाइन यहाँ पर आकर के ख़त्म हुई थी तो वापस जुड़ गई। इट मीन्स कवि बिना ब्रेक जो है वो आगे इसको पूरा राइमिंग करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, इसे टेल राइम आप बोलोगे, कि ये किसी तरह का कोई जो है वो बीच में एक गैपिंग नहीं रख रहा। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मुझे वह स्थान नहीं मिल सकता, वेयर हिज पा, जहाँ उसका पंजा इज इन द स्नेर, जहाँ उसका पंजा किस में फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, देखो यहाँ पे कवि ने क्या किया है, अरे छोटे से खरगोश, ओ छोटे, ओ छोटू तू कहाँ पर है, ओ मेरे प्यारे, ऐसा यहाँ पे जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की है कवि ने खरगोश को, बार बार कहा, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर जगह पे क्या कर रहा हूँ, तलाश रहा हूँ, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ पर है, ऐसा कवि जो है वो अपने प्रेम को, अपने स्नेह को उसके साथ जोड़ देता है। इट मीन्स वह सहानुभूतिपूर्वक जो है वो बार बार ये बातें कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा जहाँ पे हिज पा, और यहाँ एक जगह पे आपने ही क्राइज, ये ही आपने यहाँ पे पढ़ा है, और इसी के साथ में आपने यहाँ पे जैसे हिज पा पढ़ा है, इसका मतलब इसको इन लाइन में जो है वो पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी यहाँ पे जो रैबिट है, एक खरगोश है, उस खरगोश को यहाँ ही यूज किया गया है, या कहीं हीज यूज किया गया है, तो ये आप समझ रहे होंगे कि रैबिट को ही या हीज यूज किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है, यानी मानवीकरण जो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पर्सोनिफिकेशन है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, इस लाइन में भी एक लिटरेचर है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, और वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, इसमें जो है वो अपोस्ट्रोपी है, यानी इसमें जो यूज हुई है वो क्या है, अपोस्ट्रोपी जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है। यानी लिटरेरी टर्म्स है ये सा, तो यहाँ पे एक अपोस्ट्रोपी जो है
वो यूज हुई है। अपोस्ट्रोफी तब होती है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, ओ लिटिल वन जैसे डियर, ऐसे हमने करके कोई बात जो है वो करते हैं। यहाँ पे देखो रिपीटिंग भी है, लिटिल वन, या जब भी हम किसी प्रकार के ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है कि अपोस्ट्रोफी, लिटिल वन और लिटिल वन जो यहाँ पे दिया गया है इसमें आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ जेम्स स्टीफन ने जो है वो काफी शानदार तरीके से एक खरगोश को, खरगोश के बारे में बताया। उसने चार स्टेंजाज में अच्छी तरह से ये बता दिया कि वह खरगोश को आज़ाद या मुक्त करना चाहता है, उसे स्नेर से फ्री करना चाहता है, लेकिन उसे क्या नहीं मिल पा रहा, उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट इस तरह से जो है ये पोइम रखी गई है। ओके, थैंक यू।